के तेज बहाव में फंस गया। बताया गया कि यह शख्स कई घंटों से इस जगह पर फंसा हुआ था। पानी के तेज बहाव के बीच इस शख्स ने एक छोटे से पेड़ को पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो कई घंटों से मौत को मात दे पा रहा था। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि ये शख्स वहां पर किस तरह से फंस गया था। मौके पर बचाव के लिए बिलासपुर के रतनपुर से पुलिस दल के साथ बचाव दल भी पहुंच गया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें पेश आई। तो छोटे पेड़ के सहारे मौत को मात दे दी गई। आप देखिए, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ा। बिलासपुर की ये तस्वीरें, वहां पर एक शख्स फंसा हुआ था और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए इस शख्स का रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद उसकी जान बच पाई। हालांकि इस शख्स वहां पर पहुंचा कैसे, इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है और अंधेरा ज्यादा हो गया था। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें भी पेश आई, लेकिन हेलीकॉप्टर के जरिए इस शख्स की जान बच पाई। छोटे पेड़ के सहारे इस शख्स ने मौत को मात दिया। आप देखिए, बहाव काफी ज्यादा था पानी का और आसपास लोग भी थे जो इस नज़ारे को देख रहे थे, लेकिन उस शख्स की मदद नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार रेस्क्यू दल हेलीकॉप्टर के जरिए वहां तक पहुंचता है जहां पर ये शख्स फंसा हुआ था। एक छोटे से पेड़ के सहारे कई घंटों तक उसने अपने जान को बचाए रखने की कोशिश की और जब हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंचता है तो उस शख्स की जान में जान आती है। उसके बाद रस्सी की मदद से उसे हेलीकॉप्टर में बिठाया जाता है और उसकी जान बच पाती है। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर की तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें डराने वाली भी हैं और आप देखिए कि किस तरीके से नदी का बहाव काफी ज्यादा है। पहली तस्वीर में आप देखिए, नदी के तेज बहाव में एक शख्स फंसा हुआ था और पानी का सैलाब था। ऐसे में रेस्क्यू टीम को सूचना दी जाती है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंचता है। रेस्क्यू दल हेलीकॉप्टर की मदद से उस शख्स को बचा पाने में कामयाब भी हो जाते हैं। तो कहा जाएगा कि कई घंटों के बाद इस शख्स ने मौत को मात दे दी। हालांकि ये शख्स वहां पर पहुंचा कैसे, क्योंकि आप देखिए कि एक छोटे से पेड़ के सहारे ये शख्स वहां पर लटका हुआ था और काफ़ी धुंधला दिखाई दे रहा है ये शख्स, क्योंकि गैप काफ़ी ज़्यादा है। आसपास आप लोगों को भी देख सकते हैं, ये लोग खड़े हुए हैं पहली तस्वीर में आप देखिए, और लोग उसकी मदद तो करना चाह रहे थे लेकिन कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा था, कुछ सूझ नहीं रहा था। ऐसे में जब रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचती है, हेलीकॉप्टर के जरिए उस शख्स को जाता है। आप देखिए, रस्सी की मदद से उसको हेलीकॉप्टर के अंदर लाया जाता है। हेलीकॉप्टर के जरिए आखिरकार ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो पाता है, लेकिन अंधेरा भी काफी ज्यादा हो गया था। ऐसे में रेस्क्यू टीम को मुश्किलें भी पेश आई। वहां पर आप देखिए, नदी का बहाव काफी ज्यादा है, सैलाब बह रहा था। ऐसे में इस शख्स को बचाने में काफी दिक्कतें भी पेश आई और कई घंटों की मेहनत के बाद यह सफल रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया इस शख्स का, जो कि छोटे से पेड़ के सहारे वहां पर फंसा हुआ था। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आप देखिए, रस्सी की मदद से हेलीकॉप्टर तक इस शख्स को पहुंचाया गया। आदित्य हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। आदित्य, हम देख पा रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन तो सफल हुआ और इस शख्स ने मौत को मात दे दी, लेकिन ये शख्स वहां पर पहुंचा कैसे? जी जसप्रीत, ये कल शाम 6 बजे के आसपास की घटना है। बिलासपुर का खुंती घाट डैम है, ये डैम बारिश की वजह से, तेज बारिश की वजह से ओवरफ्लो हो गया था। तो इस डैम के वेस्ट वियर से जो नदी निकलती है, जो पानी निकलता है, ओवरफ्लो हुआ उस पानी को देखने के लिए, ओवरफ्लो हुए डैम को देखने के लिए कई सैलानी जो है शाम से ही वहां पर जुटना शुरू हो गए थे। ये जो व्यक्ति था ये भी इन्हीं सैलानियों में मौजूद था। अचानक ये जो नदी है, नदी के पास ये व्यक्ति पहुंचा और अचानक नदी में गिर गया। उसके बाद नदी के तेज बहाव में ये व्यक्ति ढलान की तरफ बहता चला गया और उस बहाव में एक पेड़ इस व्यक्ति के हाथ में आ गया और इस युवक ने, इस व्यक्ति ने उस पेड़ को पकड़ लिया। कल शाम करीब 6 बजे से लेकर आज सुबह 7 बजे तक, पूरी रात पूरी शाम, ये व्यक्ति उसी छोटे से पेड़ को पकड़कर नदी के तेज बहाव के बीच उस ढलान पर फंसा रहा। कल रात से ही, कल शाम से ही एसडीआरएफ की जो टीम थी वो इस युवक को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घनघोर अंधेरा था और इतना बहाव तेज था नदी का कि एसडीआरएफ की टीम भी उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रही थी जहां पर ये युवक फंसा हुआ था। आज सुबह वायुसेना का विशेष हेलीकॉप्टर जो है
वो रायपुर से बुलाया गया और उसके बाद फिर इस युवक को नदी के तेज बहाव से नदी के बीच से रेस्क्यू किया गया। बिल्कुल आदित्य, जो आप बता रहे हैं तो ऐसे में इस शख्स के हौसले की भी तारीफ करनी होगी कि कल शाम 6 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक ये छोटे से पेड़ के सहारे बैठा रहा, लेकिन ये सैलानी था। ऐसे में ये तस्वीरें आदित्य ये संदेश भी देती है कि छोटी सी लापरवाही मौत को बुलावा दे सकती है। जी बिल्कुल जसप्रीत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी छोटी सी लापरवाही आपके जान पर आफत बनकर आ सकती है। जो पूरा देश इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ आई हुई है, नदी नाले जो है वो तेज उफान पर बह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसी तरीके के हालात कई इलाकों में है, और जब ये नदी नाले उफान पर होते हैं, पानी तेज गति से बहता है, तो सैलानी कौतूहलवश उत्सुकता के चलते हुए उसे देखने के लिए चले जाते हैं और फिर उस पानी के उफनती हुई नदियों के इतने करीब पहुंच जाते हैं कि कोई भी छोटी सी घटना दुर्घटना होती है तो उनकी जान पर बनाती है। और ये भी वाकया ठीक इसी तरीके का वाकया था कि कौतूहलवश जो है नदी का जो है उसको देखने के लिए इंसान इतने पास उस पानी के पहुंच गया कि उस बहाव में बह गया और इसके जान लेकिन आदित्य आप बता रहे हैं क्योंकि प्रशासन की लापरवाही भी है कि जब नदियां उफान पर है उसके बावजूद ये शख्स कैसे पहुंचा ये हम आपसे जानेंगे, लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये शख्स वहां पर फंसा फिर उसका रेस्क्यू हुआ। सहयोगी आदित्य लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, हम देख पा रहे हैं वायुसेना का हेलीकॉप्टर आखिरकार पहुंचा और शख्स को बचाया गया, लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि जब नदियां उफान पर है, इतना ज्यादा बहाव है, उसके बावजूद वहां पर यह शख्स पहुंचा कैसे डैम के पास, तो क्या यह प्रशासनिक लापरवाही का मामला नहीं है? जी जसप्रीत, बिल्कुल प्रशासनिक लापरवाही का ही मामला है। जब जो ये खुंटी घाट जो डैम है, ये डैम ओवरफ्लो हो चुका था और इस डैम के बाद वहां पर प्रशासन को जो है वो नोटिस लगाना था, चेतावनी लिखनी थी कि डैम के पास कोई भी सैलानी न पहुंचे और कोई भी व्यक्ति डैम के पास न जाए, लेकिन ऐसी कोई भी चेतावनी प्रशासन की तरफ से नहीं लगाई गई थी। इसके साथ ही प्रशासन का कोई भी व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था। अगर ऐसा होता तो ये अगर चेतावनी प्रशासन की तरफ से बिल्कुल, तो आदित्य आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। प्रशासनिक लापरवाही भी देखने को मिली है इस घटना में। उत्तराखंड के देहरादून में लगातार हो रही बारिश की वजह से एक बाजार की कुछ दुकानें अचानक से जमींदोज हो गई। इस हादसे में किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन वहां रहने वाले लोगों को इस घटना ने खौफ से भर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें चंद सेकंड के अंदर कुछ दो मंजिला दुकानें ताश के पत्ते की तरह ढहती हुई दिखाई थी। जिस वक्त दुकानें गिरी उस वक्त आसपास कई लोग मौजूद थे जिन्हें इस घटना ने खौफ से भर दिया। कुछ लोग तो दहशत की वजह से चिल्लाने भी लगे। दुकानों के गिरने के बाद वहां धूल का गुबार छा गया और जब गुबार हटा तो वहां हर तरफ सिर्फ मलबा पड़ा नजर आया। अच्छी बात यह रही कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि जर्जर होने की वजह से दुकानों को पहले ही खाली करवा लिया गया था। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में पाकिस्तान और खालिस्तान समर्थकों से एक निडर हिंदुस्तानी अकेले ही भिड़ गया। एक तरफ सैकड़ों पाकिस्तानी और खालिस्तानी समर्थक भारत विरोधी नारे लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ दिलेर और निडर भारतीय प्रशांत वेगुलेकर अकेले ही सड़क पर खड़े होकर सारे जहां से अच्छा गाने लगे। दरअसल प्रशांत 15 अगस्त को भारतीय दूतावास से स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद लौट रहे थे। इसी बीच फ्रैंकफर्ट में सैकड़ों पाकिस्तानी और खालिस्तान समर्थक वहां नारेबाजी कर रहे थे। इसी बीच प्रशांत ने कुछ दूरी पर खड़े होकर उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी रहे लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने प्रशांत पर हमले की कोशिश की, साथ ही उनका फोन छीनने की कोशिश भी की। इस बीच प्रशांत के साथ बदसलूकी भी की गई, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें बचा लिया। इस बीच पाकिस्तानी और खालिस्तान समर्थकों के साथ प्रशांत की कहासुनी भी हुई, जिसमें प्रशांत ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी दिया और उनके सामने ही सारे जहां से अच्छा भी गाया। न्यूज 18 से प्रशांत वेंगुर्लेकर ने कहा कि वो देश विरोधी ताकतों के साथ इसी तरह से लड़ते रहेंगे और इसकी शिकायत फ्रैंकफर्ट पुलिस के साथ साथ दूतावास से भी करेंगे।
तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप देखिए फ्रैंकफर्ट पर देशभक्ति देखने को मिली एक शख्स प्रशांत, जो कि वहां पर दूतावास पर आयोजित कार्यक्रम से लौट रहे थे। स्वतंत्रता दिवस पर वहां पर कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस बीच जो पाकिस्तान हर साल प्रोपेगेंडा चलाता है, पाकिस्तानी समर्थक खालिस्तानी समर्थक वहां पर एक रैली निकाल रहे थे, और इस बीच प्रशांत ने वहां पर सारे जहां से अच्छा गाया और यही बात इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके बाद इन लोगों ने प्रशांत का फोन छीनने की भी कोशिश की, लेकिन यहां पर प्रशांत ने हार नहीं मानी और इन लोगों को आईना दिखा दिया। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। प्रशांत को आप सुन रहे थे। एक अकेले भारतीय ने पाकिस्तानियों की बोलती बंद कर दी। पाकिस्तानियों की भीड़ ने जब प्रशांत को इस तरह डटकर उनका मुकाबला करते हुए देखा तो वो बौखला गए और उन्होंने प्रशांत के ऊपर हमला करने की कोशिश की। पाकिस्तान के प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रशांत का फोन छीनने की भी कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने इनके इरादों को नाकाम कर दिया। bad things about our country and our nation, and I tried to video them. They attacked me. A group of 5-6 Pakistanis attacked me, tried to steal my phone. They have also torn our national flag that I had in my pocket. They took it from my hand and they tore it. The police came in time to save me. पाकिस्तानियों का दिलेरी से विरोध करने वाले प्रशांत वेंगुर्लेकर के मुताबिक फ्रैंकफर्ट में हर साल इसी तरह की हरकत यहां पर की जाती है, जिसकी अब वो पुलिस से भी शिकायत करने की तैयारी में है। इन लोगों के खिलाफ हम पुलिस में जाने वाले हैं, और ये इनका हर साल का यही चलता रहता है, देश को गाली देना, हमारे देश को गाली देना। ये अपने स्वतंत्रता दिवस पे कुछ नहीं करते, ये सिर्फ भारत के खिलाफ इनका मोर्चा लगा रहता है, दिन रात यही चलते रहता है। इनके साथ में कुछ खालिस्तानी भी है, वो भी इनसे मिले हुए हैं और यही करते रहते हैं ये लोग। तो हमें ये पूरे देश में दिखाना है, इनको एक्सपोज करना है। तो पाकिस्तान के सामने डटा दिलेर भारतीय, ये तस्वीरें विदेशी जमीन से सामने आई है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर एक शख्स प्रशांत ने पाकिस्तानियों को खालिस्तानी समर्थकों को आईना दिखा दिया और एक हिंदुस्तानी वहां सब पर भारी पड़ गया। देखिए हाथों में तिरंगा है। और दरअसल स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय दूतावास में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था और उसी से प्रशांत लौट रहे थे। इस बीच वहां पर देखिए कि कुछ लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद थी। भले ही पाकिस्तानी और खालिस्तानी समर्थकों की फौज वहां पर मौजूद थी, लेकिन अकेले प्रशांत ने उनको आईना दिखा दिया और ये भी कहा कि वो दूतावास में अब इसकी शिकायत करेंगे, पुलिस से भी शिकायत करेंगे। बौखलाए लोगों ने फोन छीनने की कोशिश भी की। दरअसल जो ये लोग थे, ये खालिस्तानी समर्थक थे, लगातार भारत विरोधी नारेबाजी कर रहे थे और पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। ये ही बात प्रशांत को नाकाबार गुजरी। शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। शैलेंद्र, वैसे तो पाकिस्तान हर साल ये प्रोपेगेंडा चलाता है, लेकिन जो तस्वीरें इस बार भारतीय शख्स ने जो विदेशी जमीन में जो तस्वीरें सामने आई है, वो हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा करती है। बिल्कुल जसपत, ये गर्व की बात है कि अकेला एक भारतीय किस तरह डटकर उसने मुकाबला किया, और भले ही उसको घेर लिया गया था उस मौके पर, लेकिन वो तिरंगा लहराता रहा, सारे जहां से अच्छा गाता रहा। लेकिन एक अहम बात ये भी है कि पाकिस्तान लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को फंडिंग करता आ रहा है उसकी विदेशों में, और विदेश की धरती पर इस तरह के प्रोपेगेंडा को लगातार बढ़ावा देता आ रहा है और पैसे की पानी की तरह पैसा बहा रहा है। लेकिन जो ये ताजा इंसिडेंट है, इससे ये साफ हो जाता है कि किस तरह से एक भारतीय अकेला ही इन तमाम पाकिस्तानी और खालिस्तानी प्रोपेगेंडा का समर्थन करने वाले लोगों के सामने अकेला खड़ा होकर उनका डटकर मुकाबला किया, बावजूद इसके कि उसके साथ धक्का मुक्की भी हुई है, उनका फोन छीनने की कोशिश हुई। लेकिन वहां पर पुलिस आने के बाद मामले को शांत किया गया। लेकिन अब प्रशांत का ये कहना है कि वो इस पूरे मामले को लेकर आगे तक जाएंगे, पुलिस से शिकायत भी करेंगे और भारतीय दूतावास के पास भी जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर। और वो ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह से जो विदेशी सरकारें हैं, जो विदेशी मुल्क है, वो इस तरह के प्रोपेगेंडा को हवा ना दे, समर्थन ना करें, ना उनको अनुमति दे इस तरह के प्रोसेशन निकालने की। क्योंकि ये सिर्फ एक फ्रैंकफर्ट की बात नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है कि पिछले साल सितंबर में जो ब्रिटेन में जो इंडियन हाई कमीशन है उसको, उस पर भी हमला किया गया था, शीशे तोड़े गए थे, अंडे फेंके गए थे। तो इन तमाम प्रोपेगेंडा और इन तमाम भारत विरोधी गतिविधियों के खिलाफ रोक लगनी चाहिए, इस तरह की मांग प्रशांत करने वाले। बिल्कुल। सिंगापुर में लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने के लिए खास तरह के ड्रोन की मदद ली जा रही है। सिंगापुर में कोरोना के 55,000 से ज्यादा मरीज हैं। ऐसे में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पुलिस ड्रोन का सहारा ले रही है।
खास तरह के कैमरे और सेंसर से लैस ये ड्रोन काफी ऊंचाई से लोगों पर नजर रखने में कारगर है। इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग को लागू कराने में इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां से सामने आए एक वीडियो में ऐसा ही एक ड्रोन एक फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे लोगों की निगरानी करता नजर आया। ये फैक्ट्री के अंदर पास पास खड़े लोगों की पहचान कर उन्हें कैमरे में रिकॉर्ड करता दिखा। एक रिहायशी इलाके के बाहर एक आदमी घूम रहा था, वो भी ड्रोन की नजर में आ गया। इन ड्रोन की मदद से पुलिस उन इलाकों की भी निगरानी आसानी से कर पा रही है जहां उनका पहुंचना भी मुश्किल था। बताया गया कि 10-10 किलोग्राम के इन बेहद हल्के ड्रोन को इजराइल की एक कंपनी ने तैयार किया है। जेडीयू ने श्याम रजक को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निकाल दिया है। बताया जा रहा है कि श्याम रजक अब आरजेडी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। यही नहीं, इसके बाद नीतीश कुमार की अनुशंसा पर राज्यपाल ने श्याम रजक को मंत्री पद से भी हटा दिया है। जेडीयू के मुताबिक श्याम रजक पर दूसरे दलों के साथ मिलकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था, जिसकी वजह से उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। ये कहीं ना कहीं दल विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था और पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है। विचारधारा और पार्टी के दर्शन से इतर अगर किसी का भी आचरण है तो निसंदेह इसे अनुशासनहीनता माना जाए, और वैसी परिस्थिति में पार्टी ने ये निर्णय लिया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक हाईवे पर ट्रक हादसे की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। जो ट्रक हादसे का शिकार हुआ वो भी बाकी गाड़ियों की तरह तेज रफ्तार में हाईवे से गुजर रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वो अपनी बाईं ओर के डिवाइडर से टकरा गया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। हालांकि इस टक्कर से ट्रक पलटा तो नहीं, लेकिन बेकाबू होकर उसने दाहिनी ओर के डिवाइडर पर जोरदार टक्कर दे मारी और तेज टक्कर की वजह से वो ट्रक बीच सड़क पर पलट गया। ये पूरा हादसा उस ट्रक के पीछे चल रही एक कार के डैशबोर्ड में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। ट्रक के पलटने के बाद उसके पीछे से आ रहा दूसरा ट्रक भी रुक गया और उसका ड्राइवर उतर कर हादसे का शिकार हुए ट्रक की तरफ दौड़ा। बताया गया कि ट्रक चलाते वक्त ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई थी, जिस वजह से यह हादसा हुआ। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर को मामूली चोटें आईं। दिल्ली के मोरी गेट इलाके में बीती रात कुछ बदमाशों ने वहां पर खड़ी गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ और हंगामा किया। हालांकि तोड़फोड़ किन लोगों ने की है अभी तक पता नहीं चल पाया है। इलाके के रहने वाले लोगों का दावा है कि तोड़फोड़ के बाद बदमाशों ने हवा में फायरिंग भी की। जानकारी के मुताबिक रात करीब 12:30 बजे 25 से 30 की संख्या में ये लोग आए और आते ही घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद इलाके के लोगों को डरने के लिए 10 से 12 बार हवाई फायरिंग भी की गई। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जाँच में जुटी है। वो अंदर आए, तोड़फोड़ करते हुए हंगामा मचाया। हंगामा मचाने के बाद घरों में भी जिन्होंने तोड़फोड़ की है, कई घर जो बंद थे उन्हें नहीं मालूम था, उनके दरवाजे तोड़ दिए गए। इतना लंबा हथियार था, नुकीला कुछ, और कपड़ा बांधा हुआ था। उन्होंने दो जने थे, एक ने हथियार बच्चे के ऊपर रखा, एक पीछे खड़ा था। उनकी वर्डिंग थी छोड़ बाहर निकलो मार देंगे काट देंगे, बस ये वर्डिंग थी। मेरे ऊपर चाकू रख दिया बहुत लंबा हाथ, और फिर कह रहे कि मार देंगे काट देंगे, और यहाँ पे सारी गाड़ियाँ गिरा गए, बाइक वाइक सारे फायर वायर कर दिया हर जगह। चीन के सिचुआन प्रांत में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। इस बाढ़ के बाद चीन की सरकार ने वहाँ कई प्रांतों में अलर्ट जारी कर दिया, ताकि उन इलाकों में सिचुआन जैसे बुरे हालात ना बने। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से वहाँ की कई नदी नाले उफान पर बहते नजर आए। सिचुआन प्रांत के कुछ इलाकों में तो सड़कों पर पानी सैलाब बनकर बहता दिखा। वहां से सामने आई एक तस्वीर में सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां भी डूबी नजर आईं। राहत और बचाव दल ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने का काम शुरू किया और कई लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। एक इलाके में सैलाब के बीच से रस्सियों की मदद से लोगों को बचाने की तस्वीर सामने आई। बाढ़ का पानी वहां के कई रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुका है, इसलिए लोगों को निकालने के लिए वहां दिन रात बचाव अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात के द्वारका में एक पुल के ऊपर बह रहे पानी को पार करते वक्त यात्रियों से भरी एक बस 30 लहरों के बीच फंस गई। भारी बारिश के बाद गुजरात के कई जिलों में नदियों का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, लेकिन इसकी परवाह किए बिना ड्राइवर बस लेकर पानी की तेज लहरों के बीच उतर गया। इस हादसे ने नदी के दोनों किनारे खड़े लोगों में दहशत भर दी और वहां अफरा तफरी मच गई। किनारे खड़े लोग अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाने में जुट गए। बस को बाहर निकालने के लिए एक दूसरी गाड़ी की मदद ली गई। रस्सी के एक सिरे को पानी में फंसी बस से और फिर दूसरे सिरे को नदी के किनारे खड़ी दूसरी गाड़ी से बांधा गया। इसके बाद बस को यात्रियों के साथ बाहर निकाला गया। गुजरात में हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई।
गुजरात में नेशनल हाईवे नंबर 8 पर दो गाड़ियों के बीच हुई भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुजरात के भरूच में बारिश के बीच थोक सब्जी मंडी में आग लग गई। तेजी से फैली इस आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में लिया। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने काफी कोशिश के बाद आग बुझाई। बेलारूस में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण करने के एक हफ्ते बाद ही सैकड़ों लोग उनके विरोध में सड़कों पर उतर आए। इन लोगों ने चुनावों में धांधली का आरोप लगाते हुए फिर से चुनाव करवाने की मांग की। थाईलैंड में रात के अंधेरे में हजारों लोगों ने मोबाइल टॉर्च की रोशनी में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने इस प्रदर्शन में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। भारत में चीन का 1,000 करोड़ का जासूस पकड़ा गया है। हैरानी की बात यह है कि चीन का ये जासूस 2014 में पहली बार दिल्ली आया था, तो वो नूडल्स का कारोबार करता था, लेकिन महज 6 साल के अंदर उसने दिल्ली NCR में अपना 1,000 करोड़ का हवाला नेटवर्क खड़ा कर दिया। भारत में चीन की साजिश बेनकाब। दलाई लामा पर जानकारी जुटा रहा था चीनी जासूस। हवाला केस में पकड़ा गया था चीन का जासूस। 1,000 करोड़ का चीनी जासूस। ये लुओ सांग उर्फ चार्ली पेंग है। यही वो चीन का जासूस है जो तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा के बारे में जानकारी जुटा रहा था। इसके अलावा चार्ली पेंग दिल्ली NCR में 1,000 करोड़ का हवाला नेटवर्क भी ऑपरेट कर रहा था। सवाल ये उठता है कि आखिर चार्ली किसके कहने पर दलाई लामा के बारे में जानकारियां इकट्ठा कर रहा था और इसके पीछे उसका क्या मकसद था। दरअसल 12 अगस्त को इनकम टैक्स विभाग की एक टीम ने चार्ली पेंग को 1,000 करोड़ के हवाला नेटवर्क चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इनकम टैक्स के सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय से मिली जानकारी के बाद ही चार्ली पेंग को हिरासत में लिया गया था और चार्ली पेंग गुरुग्राम से अपने 5 साथियों के साथ मिलकर इस कारस्तानी को अंजाम दे रहा था। इसके लिए चार्ली पेंग ने बाकायदा एक कॉरपोरेट ऑफिस भी खोल रखा था, जिसकी आड़ में वह अपनी कारगुजारियों को अंजाम तक पहुंचा रहा था। चार्ली पेंग को गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ हुई तो ये सच सामने आया कि वो हवाला रैकेट चलाने के अलावा दलाई लामा के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर रहा था। चार्ली पेंग से पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों को पता चला है कि चार्ली पेंग दिल्ली के कुछ लामाओं के संपर्क में था। बौद्ध धर्म के सर्वोच्च गुरु दलाई लामा और उनके सहयोगियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। चार्ली पेंग दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कुछ लोगों को और कुछ लामाओं को पैसे तक दे चुका था। जांच एजेंसियों की सूचना के मुताबिक चार्ली पेंग इन तमाम लोगों से चाइनीज ऐप वीचैट के जरिए बातचीत करता था। चार्ली पेंग को साल 2018 में भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। चार्ली पेंग ने फर्जी नामों से भारत में 8 से 10 बैंक खाते खोल रखे थे। चार्ली हवाला ऑपरेशन के लिए कई कंपनियों की नुमाइंदगी कर रहा था। 2018 में गिरफ्तार होने के कुछ दिन बाद वो छूट गया। बाद में उसने दोबारा हवाला कारोबार शुरू कर दिया। एक दलाल की मार्फत चार्ली ने भारतीय आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बनवा लिए थे। एक चाइनीज का हवाला केस में शामिल होना एकदम चौंकाने वाली घटना है। इससे हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं वो बिल्कुल सचेत हो गई होंगी और ये कितना बड़ा गहरा नेटवर्क है इसकी जांच पड़ताल कर रही होंगी। हमारा पूरा फोकस हमेशा से पाकिस्तान की तरफ रहा है और इसी की आड़ में मेरे ख्याल से चाइनीज जो एजेंट्स हैं वो इस प्रकार के काम कर रहे हैं और ऐसे एजेंट्स बहुत सारे इस मुल्क के अंदर काफी बड़ी तादाद में होंगे। इन सब का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। जांच एजेंसियों के मुताबिक 2018 में चीनी नागरिक चार्ली पेंग उर्फ लुओ सांग को जासूसी और धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त वो गुरुग्राम के फेज 5 में
नाम बदलकर रह रहा था। गिरफ्तारी के दौरान चार्ली के पास से दो आधार कार्ड बरामद किए गए थे। इसमें से एक आधार कार्ड द्वारका के पते का था, जबकि दूसरा मणिपुर के पते का। इसके अलावा उसके पास एक फर्जी नाम का बना हुआ उसका एक पासपोर्ट भी बरामद किया गया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक चार्ली पेंग 2014 में पहली बार भारत आया था और यहां आकर उसने सबसे पहले नूडल्स का कारोबार शुरू किया था और उसके बाद वो दिल्ली NCR में हवाला नेटवर्क ऑपरेट करने लगा। यही नहीं, तफ्तीश में ये बात भी सामने आई है कि चार्ली ने कई फर्जी कंपनियों के जरिए 40 से ज़्यादा बैंक अकाउंट भी खुलवा रखे थे और इन बैंक खातों में 1,000 करोड़ से ज़्यादा की क्रेडिट एंट्री भी हुई थी। जानकारी ये भी मिली है कि चीनी कंपनियों जुड़े लोगों ने भारत में रिटेल शोरूम बिजनेस शुरू करने के नाम पर 100 करोड़ रुपए का फेक एडवांस भी ले रखा था। इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों के मुताबिक चार्ली पेंग दलाई लामा के बारे में जानकारी लेने की एवज में मजनू का टीला में रहने वाले बौद्ध लामाओं को अपने ऑफिस बॉय के जरिए 2 से 3 लाख रुपए के कई पैकेट पहुंचवाए और ये बात चार्ली पेंग के ऑफिस में उसके लिए काम करने वाले उसी के एक ऑफिस बॉय ने आयकर विभाग के अधिकारियों को बताई है। आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि जांच में अभी चार्ली पेंग का और सच आना बाकी है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान ने एक बार फिर उकसाने वाली कार्रवाई की है। पाकिस्तान की तरफ से नौशेरा सेक्टर में भारी गोलाबारी की गई है, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की तरफ से भारी हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की है, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर तोड़ा है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। अगर नौशेरा सेक्टर की हम बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से ये इलाका काफ़ी संवेदनशील है। भारतीय सेना की मौजूदगी यहां पर रहती है और भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। जयपुर में हुई तेज बारिश की वजह से कई मंत्रियों और नेताओं के बंगलों में भी पानी भर गया। कुछ दिन पहले हुई बारिश से जयपुर में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे और कई रिहायशी इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया था। और इस बार भी जयपुर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां हुई तेज बारिश की चपेट में इस बार राजस्थान की कई मंत्रियों और नेताओं के बंगले आ गए। जयपुर के पौश इलाके सिविल लाइन्स में बीजेपी नेता गुलाबचंद कटारिया के बंगले में भी पानी भरा नजर आया। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार में मंत्री भजनलाल जाटव के बंगले का भी हाल कुछ ऐसा ही दिखाई दिया। इन मंत्रियों और नेताओं के घरों के बाहर की चौड़ी सड़क भी पानी से लबालब भरी नजर आई। बताया गया कि बारिश रुकने के बाद भी इस इलाके से पानी को निकालने में करीब 2 घंटे तक का वक्त लगा। गुजरात में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। वहां कच्छ में बारिश की वजह से उफान पर आई एक नदी में 70 से ज्यादा गाय और भैंसे बह गई। पानी के बहाव में बह गई गाय और भैंसों में 17 को बचा लिया गया। बताया गया कि ये सभी गाय और भैंसे नदी किनारे चारा खाने आई थी, लेकिन नदी में पानी के तेज बहाव की वजह से फंसी और बहने लगी। यूरोप के देश आइसलैंड में चीन से छुड़ाकर लाई गई 2 वेल को समंदर में छोड़ दिया गया। ये वेल शंघाई के एक एक्वेरियम में रखी गई थी, जिन्हें एक अभियान के तहत वहां से निकालकर वापस लाया गया। खास तरह की इन सफेद वेल को एक जहाज की मदद से सैकड़ों किलोमीटर दूर आइसलैंड तक पहुंचाया गया। वहां इन्हें मशीनों के जरिए उठाकर एक तालाब में डाला गया। भारी भरकम वेल को जहाज पर लादना और उतारना भी आसान नहीं था। इस काम के लिए खास टीम की मदद ली गई। खुले तालाब में आते ही वो दोनों वेल पानी में उछल कूद करने लगी। They won't have felt direct sunlight like that since they were very young animals when they were first taken from the. फिलहाल ये वेल समंदर के किनारे बने तालाब में ही रहेंगी और कुछ दिन बाद इन्हें वापस समंदर में छोड़ दिया जाएगा। राजस्थान में 6 BSP विधायकों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। राजस्थान में चुनाव जीतने के बाद सभी BSP विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने इसे दल बदल कानून के खिलाफ मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर के मुताबिक दल बदल कानून के तहत इन विधायकों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए।
सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का केंद्र रहे शाहीन बाग के सामाजिक कार्यकर्ता शहजाद अली बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और श्याम जाजू की मौजूदगी में उन्हें पार्टी की मेंबरशिप दिलाई गई। बीजेपी का दावा है कि शहजाद अली के साथ साथ शाहीन बाग के प्रदर्शन से जुड़े लोग बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद शहजाद अली ने भी पार्टी की जमकर तारीफ करते हुए दावा किया कि कुछ लोग वोट के खातिर मुसलमानों में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाते हैं। इस तरह से एक माहौल पैदा किया जाता है कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है, बीजेपी पार्टी जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती, वो सबका वेलकम करती है, सबको मोहब्बत अमन पसंद, सबको एक साथ सबका साथ सबका विकास का जो नारा है मोदी जी का वो साबित हो रहा है, सबका विश्वास भी साबित हो रहा है। आप सबका इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। उनको आपको सवाल पूछने का समय आ गया है कि हमारे वोट बैंक के आधार पर आपने राज जरूर किया पर हमारे समाज की तरक्की क्यों नहीं हुई। दूसरा कार्यकाल मोदी जी का चल रहा है, कल आप सब लोगों ने सुना होगा लाल किले के प्राचीर से पूरे देश के नागरिकों के ओर से उन्होंने जो जो बातें रखी, जो विकास का एजेंडा रखा, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं किया है। कोरोना संकट के बीच दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की राजधानी लीमा में सर्कस के कुछ कलाकारों ने सड़कों पर निकलकर लोगों का मनोरंजन किया। वहां पर कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए काफी वक्त से लॉकडाउन लागू है और लोगों के बेवजह घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी है। यही वजह रही कि सर्कस के कुछ कलाकारों ने लोगों के मनोरंजन का अनोखा तरीका अपनाया और राजधानी लीमा के अलग अलग इलाकों में करतब दिखाए। वहां से आए एक वीडियो में सर्कस के कलाबाज, जोकर और दूसरे कलाकार अपने अपने लिबास में करतब कर लोगों का दिल बहलाते दिखे। कलाकारों के हुनर को देखने के लिए कुछ लोग अपने बच्चों के साथ घरों से बाहर आ गए, जबकि कुछ लोगों ने अपने घरों की बालकनी से उसका मजा लिया। वहां मौजूद बच्चे सबसे ज्यादा खुश दिखाई दिए। कुछ बच्चे तो कलाकारों के साथ ताल से ताल मिलाकर नाचते हुए भी नजर आए, जबकि उनके माता पिता ने तालियां बजाकर सर्कस के कर्मचारियों की हौसला अफजाई की। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद पहली बार 4G इंटरनेट सेवा शुरू की गई है। हालांकि अभी ये 4G सेवा जम्मू के उधमपुर और कश्मीर के गांदरबल में शुरू की गई है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल दो जिलों में 4G सेवा रहेगी और बाकी सभी जिलों में 2G सर्विस ही जारी रहेगी। 7 सितंबर तक दोनों जिलों में 4G स्पीड की समीक्षा के बाद फैसला लिया जाएगा कि 4G सेवा को दूसरे जिलों में भी शुरू किया जाएगा या नहीं। फिलहाल दो जिलों के लोग 4G शुरू होने से बेहद खुश हैं। खुशी मिल रही है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने 4G शुरू किया है अभी डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में। हम स्टूडेंट्स को बहुत आसानी होगी अब असाइनमेंट्स कंप्लीट करने में। ये बहुत ही अच्छा एक कदम है, ये पूरे J&K में करना चाहिए इनको, क्योंकि वक्त की ज़रूरत इंटरनेट है और इंटरनेट के बगैर ज़िंदगी नहीं है आज। सुशांत की मौत की पहेली को उनके ही दोस्त ने और भी ज़्यादा उलझा दिया है। सुशांत के दोस्त गणेश हिवरकर का कहना है कि सुशांत की हत्या की गई थी और कोई है जो इस बात को जानता था। इसके अलावा सुशांत की मौत वाले दिन का एक नया वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में देख रही एक लड़की और काले रंग के एक बैग ने सुशांत की कहानी को और भी ज्यादा उलझा दिया है। क्या सुशांत सिंह राजपूत का कत्ल हुआ? 13 तारीख को कुछ लोग गए सुशांत के घर पे, तो बस या तो 13 तारीख को रात को मर्डर हुआ है या तो फिर 14 को दिन में हुआ है। क्या दिशा और सुशांत की मौत का कोई कनेक्शन है? दिशा के केस में दिशा ने इन्फॉर्म किया था सुशांत को कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। जब उसके बाद सुशांत को जब पता चला कि दिशा का मर्डर हो गया है, तो सुशांत वांट टू रिवील द केस इन द फ्रंट ऑफ द मीडिया। क्या सुशांत की आत्महत्या थ्योरी झूठी है? आत्महत्या वाली थ्योरी तो बिल्कुल ही फेक है। इसके पीछे जो उनका जो स्क्रिप्ट राइटर होगा वो इलॉजिकल है बहुत। क्या कोई जानता था कि सुशांत की हत्या होने वाली है? ये चीज संदीप सिंह को उसने बताई और संदीप सिंह ने उन लोगों को बताई और फिर 13 तारीख को कुछ लोग गए सुशांत के घर पे। 2 महीने बीत जाने के बाद भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक पहेली बनी हुई है।
इस पहेली को सुशांत सिंह राजपूत के एक दोस्त गणेश हिवरकर ने और भी उलझा दिया। गणेश ने न्यूज 18 से बात करते हुए डायरेक्टर संदीप सिंह पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पता था कि सुशांत की हत्या होने वाली। मेरे जो सोर्स है, जो संदीप सिंह के टीम में काम करते हैं, उसने मुझे बताया कि दिशा के केस में दिशा ने इन्फॉर्म किया था सुशांत को कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। जब उसके बाद सुशांत को जब पता चला कि दिशा का मर्डर हो गया है, तो सुशांत वांट टू रिवील द केस इन द फ्रंट ऑफ द मीडिया। लेकिन फिर ये चीज़ संदीप सिंह को उसने बताई और संदीप सिंह ने उन लोगों को बताई, और फिर 13 तारीख को कुछ लोग गए सुशांत के घर पे। तो बस या तो 13 तारीख को रात को मर्डर हुआ है या तो फिर 14 को दिन में हुआ है, जिस तरह से बोल रहे हैं। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी डेथ ऑफ टाइम नहीं है। गणेश का ये भी कहना है कि मुंबई पुलिस की आत्महत्या वाली थ्योरी झूठी है। गणेश का दावा है कि सुशांत को जानने वाले लोग इस बात से भी वाकिफ हैं कि सुशांत कभी भी खुदकुशी नहीं कर सकते थे, लिहाजा उन्हें मुंबई पुलिस की थ्योरी में झूठ का अक्स दिखाई दे रहा है। हत्या कैसे कह सकते हैं आप? वो हत्या ही है। पुलिस ये दावा कर रही है आत्महत्या किया है। आत्महत्या वाली थ्योरी तो बिल्कुल ही फेक है। इसके पीछे जो उनका जो स्क्रिप्ट राइटर होगा वो इलॉजिकल है बहुत। सिगरेट का फिल्म वाला होगा वो शायद, तो वो तो बहुत ही, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता आत्महत्या, तो हमें भी पता। और कितने सारे टेक्निकल जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी प्रूफ कर चुके हैं कि आत्महत्या नहीं हो सकती। गणेश का कहना है कि जब से उन्होंने सुशांत की हत्या वाली बात कही है, उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की गई, और जब उन्होंने इसके बारे में पुलिस को इत्तला दी तो उसने भी उनकी मदद नहीं की। पुलिस प्रोटेक्शन मैंने मांगा है कल भी, जिस टाइम मैंने टेस्टिमोनी दिया था चैनल पे, उसके बाद उसी रात को 1:30 से 2 के बीच में 5 से 6 लोग नकाबपोश मेरे घर के सामने आए। मेरा घर का दरवाजा लोहे का है, इस वजह से मैं बच गया। मैंने 100 नंबर पे 5 मिनट के अंदर 100 नंबर पे कॉल किया। पहला फोन उन्होंने काटा। सेकंड टाइम मैंने उनको डिटेल बताया कि मैं सुशांत सिंह राजपूत के केस में मैंने इंटरव्यू दिया है, टेस्टिमोनी दिया है, तो ऐसे ये लोग आए इसी वजह से, क्योंकि मेरी और किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। तो उन्होंने सेकंड टाइम बोला कि आप जाके FIR करो। अब मैं FIR करूँ, दरवाजा खोल के इनसे मारा जाऊँ, और फिर कैसे FIR करूँ? तो थर्ड टाइम आधे घंटे बाद वापस कॉल किया, तो बोले हाँ भेजेंगे। गणेश के मुताबिक उन्हें सुशांत के कत्ल से जुड़ी ये जानकारी सुशांत की मौत के करीब 1.5 महीने बाद मिली, और उनका कहना है कि उनके पास सुशांत के मर्डर में शामिल लोगों की जो भी जानकारी है वो उसे CBI के साथ जरूर साझा करेंगे। मुझे तो इन्फॉर्मेशन बहुत बाद में होता है, सुशांत की डेथ के एटलीस्ट 1.5 महीने बाद मुझे सोर्स से पता चली है ना, 1.5 महीने बाद पता चली। उस टाइम पता होती तो 100% बचा लेते। ऑफकोर्स कौन कौन इन्वॉल्व है क्या कहना चाहेंगे? जो इन्वॉल्व है, जिनके नाम मेरे सोर्स ने बताया है, वो CBI के सामने रख देंगे। जब इतना आगे आए तो आगे तक जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत वाले दिन का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में मुंह पर मास्क लगाए एक लड़की गेट पर खड़ी मीडिया को दरकिनार करते हुए तेजी से दौड़ते हुए आती दिखाई देती है। दरअसल इस लड़की का बिल्डिंग के अंदर जाना एक पहेली बना हुआ है। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि ये लड़की दौड़ते हुए गेट पर पहुंचती है, जहां पर सुशांत के स्टाफ में काम करने वाला दीपेश सावंत वॉचमैन को गेट खोलने के लिए कह देता है, और ये लड़की दौड़ते हुए अंदर चली जाती है। इसके अलावा कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें दीपेश सावंत और लड़की आपस में बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। मुंबई पुलिस के सूत्रों की माने तो वीडियो में दिख रही संदिग्ध लड़की सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की कॉमन फ्रेंड जमीला है। 14 जून को सुशांत की मौत की खबर सुनकर वहां प्रियंका खेमानी, जमीला और महेश शेट्टी पहुंचे थे, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया और वापस भेज दिया था। इसके बाद जमीला घर के स्टाफ मेंबर्स से मिलकर निकल गई थी। फिलहाल सुशांत की मौत आत्महत्या और हत्या की थ्योरी के बीच झूल रही है, और केस की जांच मुंबई पुलिस या फिर CBI करेगी, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना है। यानी सुशांत के इंसाफ को अभी और इंतजार करना पड़ेगा।